प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम आशीष रेवन है। मैं आज आपके सामने मेरी जीवन के कुछ गवाहियों को देना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से सिटी भुसावल से आता हूँ। मैं शुरुआत से ही पढ़ने में उतना बुद्धिमान नहीं था। मैं उन लोगों में से था जिनको रेगुलर क्लास के अलावा एक्स्ट्रा क्लास में ही बुलाया जाता था, क्योंकि मैं काफ़ी फेल होता था। और उस टाइम पे हम लोग को जो आंसर शीट मिलता था उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर करना होता था। तो मैं डर के मारे, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ, तो डर के मारे मैं खुद ही साइन करके स्कूल में वापस दे देता था। पर और मैं सोचता था कि अब किसी को पता नहीं चलेगा, बट ऐसा मेरे साथ नहीं होता था, क्योंकि मैं पकड़ा जाता था। उसके बाद मैं पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता था, उनको बताया जाता था कि आपके लड़के ने ऐसा काम किया है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी निराश होते थे उस बात पर, और ये मैंने काफ़ी टाइम ऐसा इन बातों को किया। और ऐसे मेरा स्कूल का एक फेज था। जैसे तैसे मैं टेंथ मैंने पास किया। उसके बाद जैसे कि टेंथ के बाद आपको लाइक तीन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, जिसके लिए आपको साइंस लेना कंपलसरी होता है। तब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही मेरे पापा ने मुझे एडमिशन के लिए साइंस दिलवाने के लिए लेके गए। तो वहाँ पर जैसे ही मैं गया, अभी भी मुझे वो दिन याद है। मेरे एक दोस्त ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि तेरे से साइंस हो पाएगा कि नहीं, बट मेरे पास उसका आंसर नहीं था। ऐसा करके आई थिंक मैं क्लास का पहला स्टूडेंट था जिसने साइंस में एडमिशन लिया था। ऐसा करके मैंने 11th साइंस में एडमिशन किया। उसके बाद ऐसा हुआ, जब मेरा 11th का रिजल्ट आया तो मुझे तीन सप्लीमेंट्री लगे, जिसका मतलब है आपको वो सब्जेक्ट वापस देने होते हैं। जैसे तैसे करके मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया और 12th स्टैंडर्ड में गया। 12th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी पढ़ाई की चुनौती आई, पर जैसे तैसे मैंने 12th स्टैंडर्ड भी पास किया। और जैसे कि उसके बाद आता है आपको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऑल इंडिया लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे। तो ऑल इंडिया का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें मुझे कुछ अच्छे मार्क्स आ गए। उसके बाद इस प्रकार मैंने अपनी इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि मेरे घर से काफ़ी पास में था। तो अब लोगों से मैंने काफ़ी सुना था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है, फिर भी मैंने एक चुनौती लेकर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसी दौरान मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारे चर्च के एक नए पास्टर आते हैं, जो काफ़ी यंग और काफ़ी एंथुसियास्ट थे लाइक हर चीज़ बातों को लेकर। हमारे साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई। और ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मैं गिटार सीखने के लिए गया। लाइक मैं पहले कॉलेज करने के बाद गिटार सीखने जाता था। मुश्किल से मैं कुछ 2 या 3 महीने गया होगा। उसके बाद पढ़ाई की वजह से मेरा वो भी बंद हो गया। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जो हमारे नए पास्टर आए थे, उनको गिटार लाइक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उनको बजाने आता था। तो ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने मुझे सिखाना चालू किया। तो ऐसा धीरे धीरे मैं एक्चुअली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उनके साथ सीखना चालू किया, और धीरे धीरे मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखा और चर्च में बजाने लगा, आराधनाओं में बजाने लगा। तो इस तरह करके मैं प्रभु की संगति में और नज़दीक आया। लाइक प्रभु के उपस्थिति में, उनके आराधनाओं में मैं ज़्यादा समय बिताने लगा। और ऐसा हुआ कि फिर मैं लाइक ये पैरेलल मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ में चालू हुआ। उसके बाद जब मेरा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया तो मुझे 2 बैकलॉग लगे, जिसका मतलब था कि आपको वो सब्जेक्ट्स वापस देना होगा। जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं, वो सब्जेक्ट आपको वापस देना होता है। देन वापस मैं सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, तब मुझे ज़्यादा बैकलॉग लगे, तो जिसके वजह से मेरा सेकेंड ईयर ड्रॉप हो गया। तो जिसका था कि आपको वो पूरा साल घर पे रह के आपको पढ़ाई करना होता है। ऐसा करके लाइक मैंने लाइक स्टडी पूरा बहुत ऊपर नीचे हुआ। तब जाके मेरा 2016 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया,
यूजुअली इंजीनियरिंग को लगते हैं 4 साल, बट मुझे लगे 6 साल। इस प्रकार मैंने अपनी मैकेनिकल की इंजीनियरिंग प्राप्त की। आई थिंक जब मैं लास्ट ईयर में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स करना है डिज़ाइनिंग में। तो जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो मैं देखने लगा कि मास्टर्स की पढ़ाई के लिए कौन से कॉलेज अवेलेबल है इंडिया में। तो ऐसा करके मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए मैंने, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, 2 साल में कंटिन्यू दिया, बट गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिला। तब फिर 2017 में मुझे गांधीनगर गुजरात से एक बहुत बड़े डिज़ाइनिंग कॉलेज से ऑफ़र आया एडमिशन का। वो एक प्राइवेट कॉलेज था तो जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस समय में उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस समय में मेरी मम्मी ने एक बात बताया मुझे कि हमें कैसी भी परिस्थिति आए हमें प्रार्थना का को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो, हमें प्रार्थना का जीवन कभी नहीं छोड़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने उस परिस्थिति को, उस मेरे एडमिशन की उस फीस को प्रभु ने हल किया, मम्मी को हेल्प किया कि एक बहुत बड़े लोन मम्मी को मिला मेरे एजुकेशन के लिए। इस प्रकार मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं जब उस कॉलेज में गया मैंने देखा कि वहाँ के लोग वो कॉलेज लाइफस्टाइल में काफ़ी एक्सपेंसिव था। मैं यहाँ से गया बट जब मैंने वहाँ पर जाके देखा कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़े बड़े घर से आते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी एक अचंभा और एक मेरे लिए ऐसी परिस्थिति थी कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। फिर मेरी पढ़ाई वहाँ पर चालू हुई। तब मम्मी ने मुझे और एक बात भी बताई थी कि सबसे पहले जाके वहाँ पर एक कलिसिया ढूंढना आराधना के लिए। तो मैं सोचने लगा पता नहीं वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज में चर्च या कलिसिया मिलेगी कि नहीं। मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छी कलिसिया मेरे कॉलेज के काफ़ी पास ही मुझे मिला और मैं वहाँ पर जाने लगा। ऐसी परिस्थिति में घर से दूर होने के बावजूद भी मैंने परमेश्वर की उस संगति को, प्रभु की आराधना को कभी मिस नहीं किया। मैं हर संडे प्रभु की आराधना में जाने लगा। अभी आई थिंक मुझे याद है कि पूरे कॉलेज में कोई बिलीवर या कोई क्रिश्चियन मुझे नहीं मिला। आई थिंक मैं कॉलेज में एक लौता ही वहाँ पर था और मैं इस प्रकार प्रभु की संगति से कभी दूर नहीं हुआ। तब मेरी जब पढ़ाई चालू हुई है, मेरा फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। मेरे लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो काफ़ी खुश हुए ये जान के। उसी प्रकार मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। हम लोग के 5 सेमेस्टर थे, 4 सेमेस्टर तक हम लोग के थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते थे जिसमें मुझे क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद हमारा 5th सेम आता है। 5th सेम में आपको इंटर्नशिप और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना पड़ता है बाहर की कंपनीज में। इस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप और जीपी के लिए बाहर कंपनीज में अप्लाई किया। तो उस समय हमारे क्लास के काफ़ी लोगों को बहुत टेंशन था कि हम लोग को इंटर्नशिप और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए ऑफ़र मिलेंगे कि नहीं। बट पता नहीं मेरे जीवन में मुझे वो महसूस हो चुका था कि परमेश्वर ने मेरे लिए उस चीज़ का प्रबंध ऑलरेडी कर चुका है, बस सही वक्त का इंतज़ार है। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे बेंगलोर की एक बहुत अच्छे डिज़ाइन स्टूडियो से मुझे ऑफ़र आया और उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र किया। इस प्रकार मुझे वहाँ से ऑफ़र आया और मैंने घर पे बताया कि मुझे बेंगलोर से ऑफ़र आया है। बट मेरे मन में एक बात था कि मुझे पता था कि बेंगलोर एक काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है और मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूरे क्लास में सिर्फ मुझे ही जो इंटर्नशिप ऑफ़र हुई वो अनपेड हुई, जिसका मतलब था कि मुझे कुछ स्टेफन या मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं मिलने वाला था, जबकि बाकी मेरे दोस्तों को सबको पेड इंटर्नशिप ऑफ़र हुई। पर फिर भी मुझे कहीं और से ऑफ़र नहीं आया तो मुझे लगा कि बेंगलोर जाना ही अच्छा होगा। फिर मैं बेंगलोर की ओर निकल गया और मैंने वहाँ पर अपना 2 महीने का इंटर्नशिप कम्प्लीट किया। उसके बाद हमको साथ में ही ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना होता है जो कि 4 मंथ का होता है। फिर वहाँ पर एक मैं प्रभु की एक बहुत अच्छी
गवाही देता हूँ कि मुझे जो वो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मिला 4 महीने का, उसमें प्रभु ने ऐसी दया की जो उसमें एक मुझे सर ने खुद आके बोला कि आपको इस ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्टेफन देंगे जिसका ये अमाउंट रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो अमाउंट था वो मेरे बाकी क्लासमेट्स को मिलने वाले अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा था। मैं परमेश्वर का वहाँ पे एक चमत्कार को देखता हूँ और सचमुच मैं वो फील करता हूँ कि परमेश्वर ने वो चीज़ मेरे लिए पहले से ही वहाँ पर प्रबंध करके रखा हुआ था। इस प्रकार मैंने अपना बेंगलोर में 6 महीने का इंटर्नशिप और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे उस 6 महीने बेंगलोर में रहने के बावजूद मैंने एक भी आराधना को मिस नहीं किया। मैं वहाँ पे भी एक हिंदी कलीसिया में जाता था हर संडे को। इस प्रकार मैंने वहाँ पर अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अहमदाबाद आया और वहाँ पर मैंने अपने 5th सेम का एग्ज़ाम को दिया। 5th सेम एग्ज़ाम होने के बाद मेरा जनवरी में रिज़ल्ट आया और जिसमें मैं वापस पास हो गया। उसके बाद हमको कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरना था तो मैंने वो फॉर्म भर के दिया और कुछ दिनों बाद मुझे कॉलेज के तरफ से मेल आता है कि आपने अपने पूरे बैच में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किया है जिसके लिए आप हम आपको गोल्ड मेडल देना चाहते हैं। ये सुन के मैं काफ़ी खुश हुआ और सरप्राइज भी हुआ और मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने कलीसिया में अपने पास्टर को बताया, लोग काफ़ी खुश हुए। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने वो एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं पढ़ने पहले से ही पढ़ने में उतना होशियार नहीं रहा तो मैं बस चाहता था कि मुझे वो मास्टर्स की डिग्री मिल जाए या मैं जैसे तैसे मैं बस पास हो जाऊँ। बट जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में धीरे धीरे ग्रहण करना चालू किया, आई थिंक मैं तभी समझता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे कामों को किया, मेरे जीवन को इस्तेमाल किया दूसरे लोगों के बीच में अपने जीवन की गवाही देने के लिए। इसी दौरान मैंने कॉलेज में 2 बार प्लेसमेंट का इंटरव्यू भी दिया बट कंपनी का ऐसा कहना था कि आपका जो प्रोफाइल है वो हमारे जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं करता है तो अब हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। बट मैंने इस चीज़ को उतना अपने ऊपर हावी नहीं किया और जब मैंने कॉलेज पास आउट हो गया तो मैं अपने घर आया और मैं सोचने लगा कि मुझे जो जॉब चाहिए, जो जगह चाहिए वो मुझे मेरे घर के पास में चाहिए। तो मैंने उसी समय मुंबई और पुणे के कुछ कंपनीज़ को अप्लाई किया क्योंकि वो मेरे सिटी से पास में थे तब। और मैं काफ़ी उस चीज़ को लेके मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लिया क्योंकि उस समय तक ऐसा मुझे लग चुका था कि परमेश्वर ने उस चीज़ मेरे लिए प्रबंध किया है और एक समय आने पर परमेश्वर मुझे देगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे मुंबई के कंपनी से ऑफ़र लेटर आया और उनको मेरा काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने कहा कि आप ये समय में हमारे साथ हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो मैं आज उस कंपनी में एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ और परमेश्वर ने अब तक हर एक बातों में मुझे सहायता मदद किया। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपने आप को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ब्रिलियंट नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर को जब मैंने ग्रहण किया, परमेश्वर के साथ में चला, परमेश्वर ने मुझे उस ऊँचे स्थान में खड़ा किया। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ जैसे कि हम भजन संहिता 34:8 में पाते हैं, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप परमेश्वर को एक बार जान के देखिए कि वो कैसा आपके लिए भला काम को कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी छोटी गवाही से आपने आशीष पाई होगी।